राधे राधे, मेरे चैनल पे आपका स्वागत। तो आज मैं आपको बताऊंगा देव शनि एकादशी पे पूजा कैसे करें। देखिए शालीराम जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं। अब आपको पूजन सामग्री दिखा देता हूँ। ये भोग है, फूल है, पंचामृत और बेसन के लड्डू। ये पंचामृत है, ये गंगा जल है, ये चंदन है, पीला चंदन। ये धूप और दीपक है, एक चूड़ा है जिसमें हम स्नान करवाएंगे। हम शालीराम जी को पहले पंचामृत से स्नान करवाएंगे। और हम बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम लड्डू गोपाल को स्नान करेंगे। उससे पहले हम इन्हें स्वच्छ जल से स्नान करवा देंगे। अब कहाँ डालेंगे इसको? तो हम शालीग्राम जी को स्नान करवा दिया है। अब हम लड्डू गोपाल को स्नान करवाएंगे। उससे पहले हम इनके ये पटका हम आज पहनाएंगे नया। इसे भी बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम लड्डू गोपाल को स्वच्छ जल से स्नान करवा देंगे। तो अब हम चंदन के टीका से टीका कर देंगे। कैसे टीका करना है? तो देखिए हमने शालीराम जी को टीका कर दिया है चंदन से और पीला कपड़ा पहना दिया है। अब हम भोग दे देंगे और यहाँ रख देंगे भोग। वो अब पुष्प भी चढ़ा देंगे और ये एक गंगा जल का है लोटा है, हम इसे भी साइड में रख देंगे। लड्डू गोपाल को तब तक हम कर देते हैं। अब हम दीपक भी जला लेंगे। तो अब हम दीपक और धूप बत्ती जलाएंगे। तो हमने कर दी है, अब हम आरती कर देंगे सभी देवी देवताओं की। देखिए भोग भी दिया है, हम यही रख देंगे दीपक के जगह पे। तो आप भी ऐसे ही करें। अब फिर हमने कर दिया, अब हम फिर आरती कर देंगे कपूर से भी। तब तक के लिए बाय गाइस, बाय।